ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 9। मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथ्यन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों की बात करी जा रही है, श्रील प्रभुपाद इसके बारे में बताएंगे हमें। इसका क्या मतलब है? एक बात दिखती है कि आनंद अनुभव करते हैं, इसका मतलब भक्ति बड़े आनंद से करी जाती है। सोल के लिए कहा जाता है कि हमेशा आनंद ढूंढती है, सोल इज प्लेजर सीकिंग, आनंद में अभ्यासात। इसलिए मनुष्य हमेशा नए नए गेम्स, वीडियो गेम्स, कैसीनोज और सिनेमाज, बहुत सारी चीज़ें, टूर्स एंड ट्रेवल्स, होटल्स, आनंद लेने के लिए बनाता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि उसको आनंद मिलता नहीं है, क्योंकि जितनी हम तरक्की करते जा रहे हैं ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों के अंदर डिप्रेशन एंड सुसाइड बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब वो आनंद इन चीज़ों में नहीं है, इस टेक्नोलॉजी में, इस डेवलपमेंट में नहीं है। यहाँ भगवान बताते हैं कि भक्तों का आनंद क्या है। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि जो भगवान को सही रूप से जानता है कि भगवान आध्यात्मिक और भौतिक जगत के क्रिएटर हैं, सोर्स हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है और वो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाता है। अब वो प्रेमा भक्ति का एक लक्षण बता रहे हैं कि क्या प्रेमा भक्ति का लक्षण है। शुद्ध भक्तों के विचार यानी कि प्रेमा भक्ति, जो व्यक्ति प्रेम की स्थिति पर पहुंच गए उनके क्या लक्षण है कि एक तो उनके विचार मुझ में वास करते हैं। जैसे हम बैठे हैं, हम ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं या अपनी कार में जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, क्योंकि मन हमारा बड़ा एक्टिव रहता है और ये मन सोते हुए भी एक्टिव रहता है, तो बहुत सारे विचार ये मन पैदा करता है। तो आप देखेंगे हमेशा विचार पैदा होते हैं, लेकिन ये विचार अक्सर बहुत सारी भय और चिंताओं के होते हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स के लिए होते हैं जो हम आगे कर रहे हैं भौतिक जगत में। हाँ, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, संपत्ति है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम विचार करते रहते हैं और विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके विचार मुझ में वास करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि वो हमेशा मेरे बारे में चिंतन करते रहते हैं, आज क्लास में क्या पढ़ाया गया था, ये वाली बात बहुत अच्छी लगी थी। भगवान की जन्माष्टमी आने वाली है, बलराम जयंती आने वाली है, कृष्ण जन्माष्टमी आएंगे तो हम क्या करेंगे इस बार, और बहुत सारे विचार। कोई लीला सुनते हैं भगवान की, उस लीला के बारे में विचार चल रहे हैं। कई बार भक्त गाड़ी चलाता हुआ, ट्रेन में जाता हुआ हंसने लगता है अपने आप जब उसको भगवान की वो लीलाएं याद आती हैं। तो ये फर्क है। और उनका जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहता है, और केवल विचार ही नहीं करते हैं, वो मेरी सेवा के लिए उनका जीवन अर्पित है। यानी कि उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है, हाउ कैन आई सर्व, हाउ कैन आई सर्व, हाउ कैन आई सर्व। एक भक्त का यही सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि वो यही पूछता रहता है। श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से बार बार यही पूछा, हाउ कैन आई सर्व यू। और तब उन्होंने बोला, तुम विदेश में जाके प्रीचिंग करो, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीचिंग करो, पुस्तकों को लिखो। और उन्होंने उसका पालन किया। तो भक्त का हमेशा यही विचार रहता है, हाउ कैन आई सर्व, एम आई एंजॉयिंग, बार बार सोचता रहता है, नहीं मैं एंजॉय तो नहीं कर रहा हूँ, एम आई सर्विंग। मेरी सेवा में उनका जीवन अर्पित रहता है। अर्पित समझते हैं आप, अर्पित जैसे हम कहते हैं ना स्वाहा, दैट इज कॉल्ड अर्पित, यानी कि और जीवन का और कोई पर्पज नहीं रह जाता। बाकी चीज़ें भी वो करते हैं जीवन में, लेकिन उतना ही जितना कि, जैसे एग्जांपल देते हैं कि शरीर का निर्वाह कितना करें, ये अनलिमिटेड डिमांड करता है। ऐसा शास्त्र बताते हैं कि उतना कीजिए जिससे कि शरीर बना रहे, आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी रहे, उड़ ना जाए, इतना शरीर को मेंटेन कीजिए। और संसार में रहते हुए भी आपको कुछ कुछ काम करने पड़ते हैं, उतना कीजिए जितना बेयर मिनिमम है, ऐसा बता रहे।
तो इसको कहते हैं अर्पित होना, यानी कि मुख्य पर्पस। अर्पित होने का मतलब समझ लीजिए, मुख्य पर्पस इज टू सर्व, कि भगवान को कैसे सर्व किया जाए। तो ये हो गया, मेरे में उनके विचार रहते हैं, दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मी, उसके बाद वो मेरी सेवा के बारे में सोचते रहते हैं, उसके बाद वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। हाँ, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, मतलब कि हम कुछ कथा बताएंगे, वो कुछ कथा बताएंगे। हाँ, अच्छा आज मैंने ये वाली क्लास सुनी, आज मैंने ये वाला लेक्चर सुना, उसमें ये वाला बड़ा अच्छा लगा मुझे। होता था आज मैंने ये सुना, कहता आज मैंने ये पढ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज मैंने ये पढ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस प्रकार से एक दूसरे को ज्ञान देते हैं। हाँ, और मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं, और इस प्रकार जब वो बातें करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। भगवान अक्सर कहते हैं कि ये संसार दुखालय है, यहाँ पर सुख नहीं है, लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सुख मिल सकता है। हाँ, इस तरीके से। और अन्य जगह पर भी श्रीमद् भागवत में सुनते हैं कि विश्वक्सेनु कथा सुआ इतना उत्पादन यतिरतिम श्रमे भी केवलम, यदि हमारा भगवान के कथाओं के बारे में हमारी इच्छा रुचि नहीं पैदा होती है तो इट्स ऑल वेस्ट। यानी कि भगवान की कथाओं को बोलना सुनना, इसमें भक्तों को परम संतोष का अनुभव होता है और उनकी बातचीत ही होती है। हम जब दो लोग मिल जाते हैं, चाहे भक्त हों चाहे नॉन डिवोटीज हों, अक्सर हमारी चर्चा क्या रहती है, भक्त होगी तो चर्चा रहेगी, इस डिवोटी से मैं बड़ा परेशान हूँ, इस डिवोटी ने बड़ा तंग रखा है, तुम्हारा क्या ख्याल है। अब वो भी कुछ ख्याल व्यक्त कर ही देता है इस तरह से, फिर दूसरा मैं इससे बड़ा परेशान हूँ, मैं अपने घर वाले से बड़ा परेशान हूँ, मैं अपने घर वालों से बड़ा परेशान हूँ। तेरे को पता है हॉट न्यूज़ क्या है, क्या चल रहा है, वहाँ चक्कर चल रहा है, तेरे को पता है व्हाट इज़ हॉट न्यूज़, कुछ कुछ ऐसा। फिर कुछ पॉलिटिक्स है, फिर कुछ है खाना खजाना। हाँ, तेरे को पता है उस रेसिपी के बारे में, हाँ बड़ी आइटम, क्या आइटम बनाई है। खाने के ऊपर चर्चा, खाने के ऊपर चर्चा करी जा सकती है, लेकिन अगेन क्या है कृष्ण भावना पर चर्चा है, ये हमें सोचना पड़ेगा। हाँ, क्या है द पर्पज इज टू सर्व कृष्ण, और हमारी बैली को सर्व करना है। तो इस तरह की हमारी चर्चा, इसको हम कहते हैं प्रजल्प, जो कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि कैसे प्रजल्प जो है हमारी भक्ति को विनाश कर देता है। ग्राम में कथा भी इसको कहते हैं, यूजलेस टॉक्स, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो उसमें पॉलिटिक्स भी हो सकता है, उसमें मौसम भी हो सकता है, उसमें पता नहीं क्या क्या नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हम लोग संसार में जब रहते हैं तो हमें कुछ कुछ काम तो करना ही पड़ता है, कुछ कुछ लोगों से मिलना ही पड़ता है, कुछ कुछ तो बोलना ही पड़ता है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, उतना बोलेंगे जितना कि बेयर मिनिमम है, विल नॉट एन्जॉय, उन वार्तालापों को एन्जॉय नहीं करेंगे, उन लोगों के साथ एन्जॉय नहीं करेंगे, उन लोगों के साथ जितना मिनिमम जरूरी है उतना ही करेंगे। उसके बाद भगवान की कथाएं, भगवान की सेवा, एक दूसरे को ज्ञान, भगवान की चिंतन, यही करेंगे और इसमें परमानंद मिलेंगे। हम सोच सकते हैं कि हम हरि नाम को कैसे फैलाएं, हम सोच सकते हैं कि हम भक्तों को कैसे सर्व करें, हम सोच सकते हैं कि हम अपनी साधना कैसे अच्छी करें, हम इस पर चर्चाएँ कर सकते हैं, हम चर्चाएँ कर सकते हैं कि मेरे हृदय में यह अनर्थ है, तुम्हारे हृदय में, मतलब मेरे हृदय में यह अनर्थ है, हो सकता है वो भी सामने वाला भी बताए, फिर इस तरह की चर्चाएँ। बेसिकली यही नटशेल, एक भक्त का जीवन यही होता है। अब हम सोच सकते हैं कि क्या हमारा जीवन ऐसा है कि नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। शुद्ध भक्तों का, आप कहेंगे हम शुद्ध भक्त नहीं है, तो इसका उल्टा क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया अशुद्ध भक्त। कितना अजीब सा लगता है सुन के, क्या हम अशुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, ना ना, लेकिन हाँ शुद्ध भक्त नहीं है ये बोलना हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम शुद्ध भक्त नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। 24 घंटे कोई कृष्ण के बारे में कैसे बात कर सकता है, परिवार भी है, ऑफिस भी है, बिजनेस भी है, बहुत सारे काम है, एज इफ कि शिला प्रभुपाद के पास कोई कार्य नहीं था जिसने पूरा संसार कोई बदल डाला, एज इफ कि फोर्ड कंपनी के मालिक के पास कोई काम ही नहीं है, जो कि इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है संसार की, और हरे कृष्णा इसका भी प्रचार कर रहा है। तो जरा सोचिए इस बारे में, यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुद्ध भक्त, कभी हम ये ना सोच लें तो शुद्ध भक्त की बात है, यदि ये शुद्ध भक्त की बात है तो इसका मतलब हम ये नहीं बनना चाहते, हम अशुद्ध भक्त बने रहना चाहते हैं, नहीं। वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करते हैं, उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं है, वे दिव्य विषयों की चर्चा चलाते हैं। हाँ, भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं कंटिन्यूअसली, दे आर डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स, उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं, और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंदानुभव करते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, जैसे हमारे पास लेक्चर के नोट्स आते हैं,
तो हम नोट्स को खोल के डिस्कस कर सकते हैं, पूरा का पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाता है, रिवाइव हो जाता है हमारे मस्तिष्क में और रजिस्टर कर लेता है यदि हम इसको डिस्कस कर लें तो। दिस इज वन थिंग। हम वैष्णव सॉन्ग को डिस्कस कर सकते हैं, हम वैष्णव सॉन्ग गा सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं इस बार कौन सा हरे कृष्ण मंत्र का टोन गाया था। मतलब समहाउ हमें उस चर्चा में लगना है। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही आनंद उठाते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं प्रारंभ में हम सेवा में आनंद उठाते हैं, दिव्य प्रेम के बारे में हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन जब हम परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब हम ईश्वर प्रेम को प्राप्त करते हैं। और जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं। कौन सी सिद्धि का स्वाद? जो कि भगवत धाम में प्राप्त है, यानी कि जो भगवत धाम में सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद है वो सिद्धि हम इसी संसार में भी ले सकते हैं यदि हम शुद्ध भक्ति करने लगे तो। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। बीज बोया जाता है, बीज बोने के लिए सबसे पहले उपजाऊ जमीन की आवश्यकता है। उपजाऊ जमीन कैसे बनती है? जब हम खरपतवार निकाल देते हैं, पत्थर निकाल देते हैं, इसको थोड़ा सॉफ्ट बना देते हैं, ये होता है भजन क्रिया से। जब हम भजन क्रिया करते हैं तो हमारे अनर्थ समाप्त होते हैं। हमारे अनर्थ उन पत्थरों की तरह हैं, खरपतवार की तरह हैं, जो भक्ति के पौधे को बढ़ने नहीं देगा। और हमारा अहंकार वो हार्डनेस है जो भक्ति के बीज का अंकुरण बाहर निकलने नहीं देगा। तो हमें अपने अहंकार को गुड़ाई करनी है, अहंकार की, और खरपतवार पत्थर निकालने हैं और उसके बाद में गुरु बीज डालते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि दीक्षा जो है एकदम से नहीं होती, उसके पहले आपको दीक्षा इज लाइक अ सोइंग द सीड, बीज डालने जैसा है, लेकिन उसके पहले आपको अपना हृदय कोमल बनाना पड़ता है। और उसके बाद में बता रहे प्रभुपाद, ब्रह्मांड के विभिन्न लोगों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं, इनमें से कुछ ही भाग्यशाली हैं जिनको शुद्ध भक्तों से वो मिल पाते हैं और उनको ये अवसर मिलता है कि वो भक्ति कर पाएं। ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड टू मी कि हमें भक्तों ने स्वीकार कर लिया। हम उन रेयर लोगों में से हैं जिनको ये मिला, ऐसा ये बता रहे हैं यहाँ पर। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए, इस भक्ति के बीज को, और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होने लगता है। यस, ये है इस बीज का, इसमें सिंचाई, इसमें खाद डालना क्या है? हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण कीर्तन, भागवत का पठन श्रवण, ये है इस बीज की खाद और पानी। भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक ये ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। और ब्रह्म ज्योति में भी पौधा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आप जानते हैं ब्रह्म ज्योति अंत नहीं है, ब्रह्म ज्योति के आगे वैकुंठ लोक हैं, उन वैकुंठ लोकों के आके सबसे सर्वोपरि गोलोक वृंदावन है। ये पौधा वहां तक जाता है और वहां कृष्ण के चरणों में शरण लेता है, वहीं पर फैल जाता है और वहीं शरण ले लेता है वहीं पर। और फिर इसमें क्या आते हैं? फल, फूल, ये सब आते हैं। लेकिन इसका निरंतर असिंचन करना जरूरी है भक्तिमय प्रोसेस में। इसलिए बताया कि अहर्निश, प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त अहर्निश भगवान की चिंतन, मनन, कथाओं में, श्रवण पठन में लगा रहता है। चैतन्य चरितमृत में भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। चैतन्य चरितमृत एक दिव्य ग्रंथ है जो चैतन्य महाप्रभु, जो कि साक्षात भगवान है कलयुग में, उनके चरित्र के बारे में बताता है। और उसमें बताया गया कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है और उसके बाद वो एक सेकंड भी भगवान के बिना नहीं रह सकता, जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। तो श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उन भक्तों की कई सारी कथाएं हैं, इसलिए हम कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का नित्य पठन श्रवण क्या करता है? सारे बुराइयों को, सारी चीज़ों को नष्ट कर देता है। तो हमें करना क्या है? हमें ये करना है, हमें कोशिश करनी है कि संसार में हम जितनी भी चर्चाएं करते हैं, जैसे कोई जोक सुना रहा है, कोई पॉलिटिक्स, हम बड़ा मजा लेते हैं कई बार उसमें, एटलीस्ट एज ए फर्स्ट स्टेप ये करना शुरू करें कि उसमें इंजॉय करना बंद कर दें। जरूरी नहीं है कि आपको उस ऑफिस में किसी ने जोक मारा है तो उसमें हंसना ही है,
नहीं तो आप बेवकूफ़ कहलाएंगे कि इसको जोक समझ नहीं आया। इट इज़ नॉट नेसेसरी। हमें अपनी पर्सनैलिटी को इतना सॉलिड तो बनाना पड़ेगा। ऐसी भी क्या पर्सनैलिटी जो दूसरों के आधार पर ही जीती है, जिसका अपना कोई वजूद ही नहीं है। सब हंस रहे हैं तो मुझे हंसना ही है। हाँ, तो कहने का मतलब है हम सोचें कि हमें कौन से विचारों में रिलिश करना है, कौन से विचारों को इग्नोर करना है। बहुत सारी बातें हमारे कानों में डाली जाएंगी, वी हैव टू इग्नोर दोज टॉक्स। अगर हमने उनको रिलिश करना शुरू कर दिया तो हम अपने अंदर गंदगी डाल रहे हैं। अशुद्ध भक्ति कभी नहीं इसमें पनप पाएगी, वो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा, वो सड़ जाएगा और सारी मेहनत बेकार जाएगी। और कभी भी हम शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे, इसका मतलब हमेशा हम अशुद्ध भक्त बने रह जाएंगे। तो कोशिश करें दो चीज़ें, कि एक तो हम फजूल की चर्चाओं को रिलिश ना करें, इंजॉय ना करें, और भगवान के विषय में चर्चाएं करें, जैसा हमने कई सारे एग्जांपल बताए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।